तो सबसे पहले जाके सीक्वेंशियल वाइज में सीखना ठीक है एपिसोड वन को जाके देखो फिर एपिसोड टू पे आना एपिसोड वन का लिंक आपको आई बटन के ऊपर मिल रहा होगा आई बटन कहां पे होता है टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा एपिसोड वन का लिंक ऑलराइट तो अब आगे बढ़ेंगे इस एपिसोड के अंदर मैं क्या बताने वाला हूं आपको पहली चीज यहां पर देख सकते हो वाई टू गो डिजिटल क्या जरूरत है डिजिटल जाने की क्या क्या फायदे हो सकते हैं आपके दूसरा अगर आप डिजिटल नहीं हो तो क्या क्या नुकसान हो रहे हैं आपके एवरीडे तीसरा सोशल मीडिया के ऊपर सबसे तगड़ी चीज होती है आपकी प्रोफाइल ठीक है आपकी प्रोफाइल जो है ना वो एक तरीके से विजिटिंग कार्ड है जो नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर विजिटिंग कार्ड हम देते हैं ना तो विजिटिंग कार्ड पहला इंप्रेशन होता है सेम उसी तरीके से आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल फर्स्ट इंप्रेशन होता है और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन यू डोंट गेट अ चांस टू क्रिएट यो फर्स्ट इंप्रेशन अगेन ठीक है दूसरा चांस मिलता ही नहीं है पहला इंप्रेशन तो पहला इंप्रेशन है तो सोशल मीडिया को कैसे ऐसा डिजाइन किया जाए कि वो किसी भी इंसान को हुक कर दे आपका वो इंसान ना और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहे चाहे कि आपकी प्रोफाइल को देखना चाहे, तो सेट अप करना आपके सोशल मीडिया जरूरत so अपने क्यों है? है सबसे पहला पॉइंट जो है यहां पर जितनी लंबी चादर कमेंट करके नीचे बताना मुझे जितनी लंबी चादर बचपन से हजारों बार शायद ये मुहावरा सुना होगा आप लोगों ने कि जितनी लंबी चादर अब यहां पे इसको कैसे कनेक्ट करेंगे कमेंट करके बताना इस मुहावरे को कंप्लीट करना आप ठीक है सो इसको हम कंप्लीट यहां पे कैसे कनेक्ट करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब भी इंसान आता है तो उसकी प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट उसकी चादर लिमिटेड होती है प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट लिमिटेड होती है नॉर्मल लोगों को जानता है वो मैक्सिमम बीस पच्चीस तीस चालीस पचास साठ सौ लोग हद हो गई दो लोग अगर लिस्ट है ना उसके पास तो हद ही हो गई है समझ लो क्योंकि उससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने से पहले उसके पास कोई रीजन नहीं था कि वो लोगों को कनेक्ट करे लोगों के साथ बातचीत बढ़ाए लोगों का नेटवर्क बढ़ाए उसके पास कोई रीजन ही नहीं था तो वो किसी से बात भी नहीं करता था नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद उसके पास रीजन आया कि मुझे अपना साम्राज्य क्यों बड़ा करना है मुझे नेटवर्क क्यों बड़ा करना है तो अब इस मिथ को यहां पर तोड़ देना कि जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारों वाली बात नहीं है हमें बाहर मार्केट में लंबी चादर भी मिलती है हमें अपने आप को इतना बड़ा बनाना पड़ेगा कि हम मार्केट की लंबी चादर को खरीद पाए तो ये जो सोशल मीडिया है ना ये डिजिटल मीडिया ये इतना बड़ा समंदर है बार बार बोल रहा हूं इतना बड़ा समंदर है कि यहां पर लंबी मतलब बहुत लंबी चादरें हैं मतलब ऐसा फनल है कि अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट आपके पास आते रहेंगे आपकी झोली में गिरते रहेंगे हर महीने हर दिन गिरेंगे ठीक है तो इस मिथ को हमें क्लियर करना है यहां पे कि जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारों वाली बात नहीं है सिंपल सी बात यह है बताना ये चाहता हूं

वो किसी और के साथ सेम उसी काम को ज्वाइन कर लेंगे सेम उसी प्रोडक्ट को खरीद लेंगे सेम कंपनी के अंदर काम कर लेंगे बट आपके साथ नहीं करते क्यों इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है क्या सोशल मीडिया प्रेजेंस ठीक है डिजिटल मार्केट डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अगर आपका अस्तित्व बड़ा हो गया तो हंड्रेड परसेंट द ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड या आपने वहां मुहावरा सुना होगा इंग्लिश के अंदर वही सेम होता है दूर के ढोल सुहावने अपने ढोल को सुहावना बनाना है हमने खुद के ढोल को सुहावना बनाएंगे वो सोशल मीडिया हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तीसरी प्रॉब्लम क्या है यहां पर काम का ना काज का काम का ना काज का कई बार क्या होता है लोग आपके साथ काम शुरू करेंगे आपकी पूरी एनर्जी को सक करेंगे पूरी एनर्जी को ड्रेन आउट करेंगे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे पूरे पूरे दिन आप उनको सिखाओगे लेकिन वो एक्टिवली बिजनेस बिल्ड नहीं करेंगे वो आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन आउट करेंगे लेकिन एक्टिवली आपके बिजनेस को बिल्ड नहीं करेंगे काम का 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 दुश्मन अनाज ठीक है तो यहां पे क्या करना अपने को सोशल मीडिया इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है मैंने बताया था ना वाई टू गो डिजिटल बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लगातार बेसिस पे एक लीडर झेलता है राइट अगला जो प्रॉब्लम है अगली प्रॉब्लम आप यहां पर देख सकते हो दो पल रुका खाबो का कारवा और फिर चल दिए है ना मतलब थोड़े टाइम के लिए इंसान आपके साथ काम शुरू करेगा थोड़े टाइम के लिए बिजनेस करने की शुरुआत करेगा और उसके बाद वो क्विट कर देता है ऐसा क्यों होता है भाई रिटेंशन क्यों नहीं है लोग टिकते क्यों नहीं है क्यों नहीं है सोशल मीडिया इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा सच बता रहा हूं जो चार प्रॉब्लम्स मैंने बताया ना सोशल मीडिया इन चारों प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है कैसे है आगे चल रहे हैं यहां पे आप देख सकते हो डिजिटल मीडिया इज द सल्यूशन आपको अगर ये बताना है कि मैं कौन हूं क्योंकि देखो आज के टाइम पे क्या हुआ है आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग धीरे धीरे स्टेब्लिश हो चुकी है लोगों को धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता लग गया कंपनीज के बारे में पता लग रहा है लोग मान रहे हैं बिलीव कर रहे हैं अब सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ मतलब क्या कहते हैं मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करूं कि ना करूं नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होता है ये होता है धीरे धीरे लोगों के अंदर जो कॉन्शियसनेस है जो नॉलेज है वो बढ़ रही है अब सवाल ये होता है कि मैं आपके साथ क्यों करूं व्हाई यू हु आर यू हम आपके हैं कौन आप कौन हो ठीक है तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट सॉल्यूशन आप अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो यहां पे पर्सनल ब्रांडिंग हो सकती है मैग्नेटिक मार्केटिंग जो मैं बार बार बोलता हूं ना नहीं नहीं बनना है है लोगों लोगों को लोगों के पास जा जाकर नहीं बोलना है अपने आप को एक ऐसा मैग्नेट बनाना है कि लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट हो आपको बोले कि भाई मुझे तुम्हारे साथ काम शुरू करना है आप भाव खाओ कि भाई अभी थोड़ी सी फुर्सत कम है ठीक है जैसी फुर्सत मिलती है मैं अपने आप तेरे को कनेक्ट कर लूंगा मैं अपने आप तुम्हें बता दूंगा तो वो मैग्नेटिक मार्केटिंग कैसे होगी भाई डिजिटल मीडिया इज द सोल्यूशन ठीक है तो यहां पर शुरुआत करेंगे हम ये जो डेटा है ना इस डेटा को बड़े ध्यान से समझना ये डेटा जबरदस्त चीज है जो मुझे फैशनेट जिस चीज ने किया था ना मैं जिस चीज की वजह से अट्रैक्ट हुआ था सोशल मीडिया पे जबरदस्त साम्राज्य खड़ा करना है ये जो दिमाग में आया था ये डेटा देखने के बाद ही आया था फेसबुक पे 290 करोड़ लोग हैं दुनिया में एक्टिव यूजर्स 290 करोड़ लोग हैं व्हाट्सएप के ऊपर 200 करोड़ लोग हैं ठीक है यहां पे YouTube के ऊपर 180 करोड़ लोग हैं सिर्फ भारत की भी बात करें तो 34 करोड़ से ज्यादा लोग Facebook यूज करते हैं ये मजाक नहीं है आज के टाइम पे कितना इजी हो गया ना सोशल मीडिया तो सही पहले के टाइम पे लेटर लिखना पड़ता था पहले के टाइम में ज्यादा से ज्यादा हद हो जाती तो बात हो जाती थी नॉर्मल कॉल के ऊपर ठीक है नॉर्मल वॉइस कॉल के ऊपर बट आज के टाइम पे पोस्ट डलेंगे वहां पे कमेंट सेक्शन के अंदर बात हो सकती है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो फॉलो कर सकते हो ठीक है आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो आप डीएम कर सकते हो सोशल मीडिया कर... आपने एक बंदे को फॉलो कर लिया ना आपने स्कूल का कोई बंदा है वो फॉलो कर लिया पूरे स्कूल के जितने टीचर्स होंगे उसके जो दोस्त होंगे आपके जो पुराने पुराने दोस्त होंगे सबकी प्रोफाइल आपके सामने आ जाती है इट इज वेरी इजी टू कनेक्ट विथ पीपल राइट एंड नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग बिजनेस इज ऑल अबाउट कनेक्शन इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स तो रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा गेम है ठीक है तो मुझे लगता है अभी तक क्लियर हो गया होगा कि वाई टू गो डिजिटल डिजिटल क्यों जाना है और जबरदस्त तरीके से जाना है अब यहां पर यू नो इट इट्स अनलिमिटेड इसका कोई लिमिट नहीं है आपकी सोच जहां पर रुक जाएगी ना वहां पर सोशल मीडिया का गेम शुरू होता है जहां तक इंसान मेहनत मतलब कुछ भी कर ले नहीं कर सकता वहां पे सोशल मीडिया का असली गेम शुरू होता है तो आपका टास्क ये याद रखना And अगर आप इस टास्क को फॉलो करोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना कि हाँ हम इस टास्क को फॉलो करेंगे आपका टास्क ये होने वाला है थ्रू आउट दिस सेशन आप कम से कम दो बार पोस्ट जरूर करेंगे अपने सोशल मीडिया जिस भी सोशल मीडिया को आप चूज करोगे ठीक है अगले सेशन के अंदर एपिसोड थ्री के अंदर मैं बताऊंगा कि कौन से सोशल मीडिया को आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से राइट लेकिन आपको दो बार पोस्ट जरूर करना है एट लीस्ट अगर आप मेरे साथ हैं तो नीचे कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ठीक है अब आगे बढ़ रहे हैं पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया है ना तेरा वन बैठा है जी मतलब मैंने बताया ना फर्स्ट इंप्रेशन सोशल मीडिया एक ऐसी डालती है थेके? उसके बाद चूज करेगा आज के बहुत है। बहुत है। वो व्हाट्सएप भी उसी टाइम पे चला रहा होता है वो इंस्टाग्राम भी कर रहा होता है वो अचानक मतलब बहुत सारे टैब्स खुले होते हैं वो अचानक यूट्यूब चेक कर लेगा वो इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि वो आपके पास क्यों रुकेगा आपने ऐसा क्या हुक किया प्रोफाइल को ऐसा क्या डिजाइन किया कि वो बंदा आपके पास रुके राइट right, तो पहली नजर में ऐसा जादू करना है कि सामने वाला रुके ठीक है ऐसा हुक देना है कि सामने वाला बिल्कुल आराम से देखे उसका मन करे कि एक्सप्लोर करता हूं ये क्या बंदा है यार ठीक है तो यहां पे ये चीज ध्यान रखना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड वी डोंट गेट एनी सेकेंड चांस टू तो क्रिएट आवर फर्स्ट इंप्रेशन राइट दुनिया में लोगों की कमी नहीं है बट आपको सही तरीके से अपने प्रोफाइल को डिजाइन करना पड़ेगा अब एक रूल को याद रखो आप यह रूल मैं हमेशा से मेरी गोडिटल ई बुक आई थी उसके अंदर भी बोला मेरे YouTube की बहुत सारी वीडियोस के अंदर आप यह रूल को देख लोगे नो नो ट्रस्ट ट्रस्ट बिजनेस बिजनेस जान पहचान होगी पहले पहले जान पहचान होगी वो बंदा जानेगा मुझे उसके बाद ट्रस्ट डेवलप होगा अगर सिर्फ जानता है और ट्रस्ट नहीं करता तो वो हमारे साथ बिजनेस में नहीं आएगा मरे से मरा दस में से एक बंदा शायद आ जाए और वो गधा मजदूरी हो जाती है फिर लेकिन अगर बंदा ट्रस्ट करता है तो दस में से नौ बंदे आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे ठीक है अगर आपने ट्रस्ट फैक्टर को डेवलप कर दिया वहां पर तो ट्रस्ट पहले जान पहचान फिर ट्रस्ट फिर आता है बिजनेस एंड इट इज वेरी इसको रिलेशनशिप मार्केटिंग बोलते हैं ठीक है दो तरह की मार्केटिंग होती है एक होती है आपकी स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग ठीक है ये स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है कि आप भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स बना रहे हो उसके अंदर आप सीधा सीधा पिच कर रहे हो अपने सेल्स को और सीधा सीधा कुछ कन्वर्जन आ रहा है जो रेशो होता है दस में से एक बंदा लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा आप भागे जा रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंच रहे हो और पीछे आपके बहुत सारे लोग छूट रहे हैं इससे एक फायदा ज़रूर है कि आपका टाइम बचता है आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने का टाइम जरूर बचता है आपकी जो क्वालिटीज़ हैं आपका कम्युनिकेशन जो स्किल है वो प्रैक्टिस की वजह से बहुत बढ़िया हो जाता है बट यहाँ पे एक नुकसान भी है वो नुकसान यह है कि आपका जो रेशो रहेगा ना वो बहुत कम रहेगा कन्वर्जन रेशो बहुत कम रहने वाला है बट दूसरा होता है हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग ये मार्केटिंग को मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं कि यहां पे क्या होता है कि आप सामने वाले इंसान के साथ एक रिलेशन बिल्ड करते हो सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट आता है उसमें से दस में से नौ बंदे क्लोज होते हैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो सोशल मीडिया को इस प्रिंसिपल पे यूज करना है पूरी सीरीज में याद रखना कि हमें नो ट्रस्ट बिजनेस करना है हम सीधा अगर बेचने कोशिश करेंगे तो लोग हमसे बहुत दूर भागेंगे वांटेड फिल्म की डायलॉग सुना होगा आपने कि तुम लड़की के पीछे भागोगे लड़की पैसे के पीछे भागेगी तुम पैसे के पीछे भागोगे लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी ठीक है वॉन्टेड फिल्म का डायलॉग है तो यहां पर क्या है अगर तुम प्रोस्पेक्ट के पीछे भागोगे प्रोस्पेक्ट तुमसे बहुत दूर भाग जाएगा अगर तुम एक्सेलेंस के पीछे भागोगे ट्रस्ट डेवलप करने के पीछे भागोगे प्रोस्पेक्ट तुम्हारे पीछे भागेगा ठीक है तो यह चीज करनी है अब आगे चल रहे हैं यहां पे ध्यान से एक एक चीज ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने प्रोफाइल को किस तरीके से सेटअप करेंगे राइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी प्रोफाइल पिक्चर और वो हर प्लेटफॉर्म पे चाहे वो लिंकड हो चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो व्हाट्सएप हो आपकी एक चीज कॉमन होती है वो होती है प्रोफाइल पिक्चर चाहे वो फेसबुक हो राइट प्रोफाइल पिक्चर के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है लाइफस्टाइल दिखाने के लिए हमें बहुत सारी जगह मिल जाएंगी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए हमें बहुत सारी जगह मिल जाएगी प्रोफाइल पिक्चर पे अपनी क्रिएटिविटी अपना लाइफस्टाइल अपने दोस्त फ्रेंड्स फैमिली ये सब मत दिखाओ प्रोफाइल पिक्चर आपके लिए है और आपकी प्रोफाइल पिक्चर है लोग आपको देखने आते हैं मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर आप प्रोफाइल पिक्चर के देख लेना वहां पर मैं दिखता हूं क्योंकि मुझे अपना ब्रांड क्रिएट करना है आपकी कंपनी का लोगो हो सकता बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है आपकी बट लोग आपको देखने आए हैं पीपल ज्वाइन पीपल दे डोंट ज्वाइन एनी कंपनी राइट तो वहां पे आप होने चाहिए ठीक है एक क्लोजर सी पिक्चर होनी चाहिए आपकी आपका चेहरा बहुत अच्छे तरीके से दिखना चाहिए ठीक है अगर प्लेन बैकग्राउंड है बहुत अच्छी बात है अगर फैसिनेशन बैकग्राउंड है कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा पीछे ताम है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपका चेहरा क्लियर दिखना चाहिए क्लोज फोटो लो यहां तक की फोटो लो चेहरा क्लियर दिखना चाहिए अपने आप को लेकर ना कॉन्फिडेंट हो जाओ यार अपने you yourself, you. You you, तो आप को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाओ अगर कॉन्फिडेंट हो गए तभी सोशल मीडिया इफ यू लव देन ओनली पीपल विल लव यू इफ यू हैव डाउट्स ऑन यू तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट यू पीपल लोग आपसे प्यार करेंगे बात समझ रहे हो तो आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे अपने आप को ही दिखाना है कोट्स डालने की और भी जगह है बहुत सारे लोग कोट्स डाल के रखते हैं फेसबुक के ऊपर ठीक है कोट्स डाल के रखते हैं प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर ठीक है मम्मी कहती है डीपी मतलब क्योंकि मैं बहुत क्यूट हूं और दे आर बिल्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हाउ कैन यू एक्सपेक्ट लोग आपसे मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं यार एक ऐसी जगह होती है जहां पे आप वो सबसे बड़ा स्पेस होता है भाई तुम्हारे को फीचर करने के लिए चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो आपका वैसे इंस्टाग्राम पे नहीं होता है कवर पिक्चर यूट्यूब पे होता है फेसबुक के ऊपर होता है ठीक है तो वहां पे आपको ये दिखाने का मौका मिलता है कि आप क्या क्या करते हो आप क्या एक नजर डालेगा बंदा तो वहां पर दिख जाए कि आप कौन हो ठीक है इफ यूर एन ऑथर इफ यूर अ ट्रेनर इफ य बिजनेस कोच जो भी चीज है जो हुक कर सकता है सामने वाले इंसान को वो आपको वहां पर डालना चाहिए प्रोफाइल पिक्चर को भले अपडेट मत करो ज्यादा मैं भी बहुत टाइम तक एक ही प्रोफाइल पिक्चर लगा के रखता हूं अच्छी सी ठीक है अच्छी सी फोटो आप खिंचवा सकते हो यार स्टूडियो के अंदर चले जाओ नहीं खींच सकते आप फोन से खींच सकते हो

पैसे ऐसे नहीं आते हैं सर पैसे लक्ष्मी माता नीचे उतर के नहीं आएंगे कि थाली में रख के कि यार ये लो डेढ़ लाख रुपए ये लो दो लाख रुपए नहीं ये सब करना पड़ता है और शुरुआत में आपको ही करना पड़ेगा बाद में जब पैसा आ जाएगा एडिटर हायर कर लो यार जब पैसा आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो बट अभी शुरुआत में आपको खुद को करना पड़ेगा ये और सीखना पड़ेगा हर चीज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है हर एक चीज जो आपने सीखना चाहते हो ना वो YouTube के ऊपर अवेलेबल है तो जाके सीखिए ठीक है और अगर आपको पिक्चर क्लिक करवाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है फोटोज वगैरह क्लिक नहीं करवा सकते कोई बात नहीं वेट कर लो थोड़ा सा एक बहुत जबरदस्त चीज लॉन्च करने वाला हूं बहुत जबरदस्त चीज जहां पर आप आके मेरे स्टूडियो के अंदर सारी अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो ठीक है लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा उसके लिए पूरा सिस्टम मैं डिजाइन कर रहा हूं अभी तो अभी फिलहाल जैसे आप कर सकते हो ना वैसे आप करो जो है वो करो आपने मेरी एक रील देखी होगी जिसमें उन्नीस सेकंड में मैंने अपनी पूरी लाइफ दिखाई थी आपने देखा होगा मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल से फोन से एक छोटे से ट्राइपॉड से कमरे के अंदर ग्रीन स्क्रीन लगा के वहां पे मैंने शूट करना शुरू किया था ठीक है आज मेरे पास स्टूडियो है बट उस टाइम पे नहीं था तो जो है जितना है ठीक है ठेके? इसके बाद हाईलाइट देखिए इंस्टाग्राम के ऊपर कवर पिक्चर तो नहीं होता बट हाईलाइट होते हैं और हाईलाइट इतनी जबरदस्त चीज है ना पूरी लाइफ ही दिख जाएगी आपकी आप मेरे हाईलाइट्स को जाके देखिए ना आप इंस्टाग्राम पे जाइए हर एक बंदा जो आता है वो हाइलाइट्स को चेक करने की आदत लग गई है लोगों की कि इसने लाइफ में पहले क्या क्या किया है ठीक है तो अगर इवेंट्स हुए हैं आपके तो इवेंट्स की हाइलाइट्स ठीक है अगर पार्टीज हुई हैं पार्टीज के हाइलाइट्स अगर आपकी इनकम आई है तो इनकम की हाईलाइट्स वो जरूर क्रिएट कीजिए इसको मजाक में मत लेना हाईलाइट होनी चाहिए भाई और एक हाईलाइट में ज्यादा नहीं पच्चीस से तीस ज्यादा नहीं पच्चीस से तीस पिक्चर्स होनी चाहिए हाईलाइट का कवर भी लगता है ठीक है हाईलाइट का कवर कैसे लगता है यूट्यूब पर डालो हाउ टू सेट अ कवर ऑन माई हाईलाइट गेट इट ठीक है हर एक हाईलाइट का एक जबरदस्ता कवर क्रिएट करो ठीक है एंड हाईलाइट के अंदर कैसे डालते हैं सिंपल आप जो भी स्टेटस डालते हो ना इंस्टाग्राम के ऊपर वहां पे नीचे राइट साइड पे एक ऑप्शन आ रहा होता है हाईलाइट हाईलाइट पे highlight पे टैप करोगे किसी भी हाईलाइट में वो आपकी पिक्चर सेव हो जाएगी इसके बाद आती है चीज आपका अपना एक टैगलाइन ठीक है जिसको देख के बंदा सीधा सीधा आप, आप आ जाओ उसके दिमाग में जैसे मेरे टैगलाइन के ऊपर आपने देखा होगा ट्रेवल प्रीनियर ट्रैवल प्रीनियोर कुछ यूनिक मैंने कल भी बताया था कंटेंट इज किंग कंटेंट कंटेंट इज लाइक आपका अगर अलग होगा ना सेम वही चीजें डालो जो दुनिया डाल रही है डिजिटल ऑन्ट्रप्रनोर ये बहुत लोग डाल रहे हैं ना ऑलरेडी तो वो सैचुरेट तो होगा थोड़ा सा शब्दों को आगे पीछे करके कुछ नया बनाओ कुछ नया बनाओ जिससे आप थोड़े अलग दिखो मैंने जैसे डाला हुआ ट्रैवल प्रिन्योर हैश बड़ा खेलते हैं सेम इसी तरीके से कुछ आप डिजाइन कीजिए अपने लिए जिससे आपके नाम मतलब वो चीज अगर कहीं पे आए ना तो सीधा आप आओ चेहरे पे इससे होगी आपकी पर्सनल ब्रांडिंग और ये कोई और नहीं कर सकता ये आपको खुद को आपकी क्रिएटिविटी करेगी दैट्स इट राइट इसके आगे अबाउट एंड बायो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये दिखना चाहिए कि आप देखो आप किसको याद रखते हो आप किन लोगों को याद रखते हो या तो वो इंसान आपके जैसा हो ठीक है आप किन को फॉलो करते हो या तो आपको लगे कि यार ये बंदा जो लाइफ जी रहा है ना वो लाइफ मुझे जीनी है ठीक है ये मेरे जैसा बंदा है इसके थॉट्स मेरे से मिलते हैं इसका पैशन मेरे से मिलता है इसका जो बिहेवियर है वो मेरे जैसा कहीं ना कहीं कॉमनैलिटी वाली फीलिंग आ जाए या फिर आपको ऐसी फीलिंग है कि ये बंदा मुझे फ्यूचर में कहीं हेल्प कर सकता है या ये बंदा मुझे उठा सकता है ऐसे लोगों को आप याद रखते हो राइट तो सेम इसी तरीके से आपको अपने अबाउट को या बायो सेक्शन को कुछ ऐसा बनाना है जिससे लोगों को ये फील हो कि ये बंदा मुझे उठा सकता है ये बंदा मुझे कामयाब कर सकता है ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है आपको आइडिया लेना है आइडिया लेके आप मेरे इंस्टाग्राम को देख सकते हैं किस तरीके से मैंने उसको डिजाइन किया किस तरीके से बायो क्रिएट किया है राइट लेकिन थोड़ा सा मार्केट से हटके जैसे लोग कर रहे हैं वैसे आपको नहीं करना आपको यूनिक बनना है समझ आई और यूनिक आप तभी बनोगे जब आपकी खुद की बुद्धि चलेगी अगर आपकी बुद्धि कॉपी करने पे लगेगी तो आप बिल्कुल नहीं करना भूल के भी नहीं करना सबसे पहली चीज है कि डू नॉट मेंशन नेटवर्क मार्केटिंग ऑन योर प्रोफाइल डू नॉट एवर मैंशन नेटवर्क मार्केटिंग डू नॉट एवर मैंशन कि वही चीज नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप मेंशन करोगे ना लोग आपको सीधा जज कर लेंगे क्योंकि आपको पता है इस इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड्स भी हुए पहले राइट जब रेगुलेशंस नहीं थी लोगों के साथ फ्रॉड हुए लोगों के साथ धोखा हुआ अब क्या होता है जैसे एमएलएम को सुनते ही लोगों के दिमाग की घंटी बंद बज जाती है और दिमाग बंद हो जाता है जैसे बचपन में हमारे गलियों में आता था ना वो आइसक्रीम वाला आइसक्रीम वाले की घंटी बजी की है बच्चे के दिमाग में आता था आइसक्रीम वाला आ गया सेम इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को इतना ज्यादा गंदी कंपनीज ने खराब कर दिया है कि अगर कोई अच्छी कंपनी भी है सामने वाला बिना पूछे उसके दिमाग में घंटी बज गई उसके दिमाग का दरवाजा हो गया बंद अब तुम वो पूछेगा ही नहीं वो पूछेगा ही नहीं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को मैंशन क्यों कर रहे हो यार ठीक है नहीं करना है मेंशन बिल्कुल भी नहीं करना वो जब पूछेगा तो हम उसको अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे बट शुरुआत में सामने परोस के दो के मैं नेटवर्क मार्केटरू ठीक है इसके बाद दूसरी चीज डू नॉट एवर मेंशन योर कंपनी आई रेस्पेक्ट आपकी कंपनी हो सकता है बहुत अच्छी हो बहुत अच्छी हो दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनीज में आती हो बट जब आप कंपनी को मेंशन कर देते हो ना इसका इसके पीछे बहुत जबरदस्त रीजन है ध्यान से सुनना जब आप कंपनी को मेंशन कर देते हो वहां पे ठीक है तो कुछ लोग जाएंगे ऑब्वियसली आपसे पूछने से पहले वो जाके गूगल पे सर्च करेंगे गूगल पे सर्च करेंगे बहुत सारी अच्छी चीजें आएंगी बट साथ में कुछ बुरी चीजें भी आएंगी जरूर आएंगी क्योंकि कुछ लोग जो खाली बैठे रहते हैं ना वो उनको बस नेगेटिविटी फैलाने का काम होता है उनका वो नेगेटिव चीजें जैसे ही आएंगी अब आपको पता है माइंडसेट ऐसा होता है लोगों का पॉजिटिव चीजों के ऊपर इंक्लीनेशन नहीं होता पर नेगेटिविटी तुरंत तुरंत अट्रैक्ट करती है अगर किसी को बोल दो कि तेरी दो लाख रुपए की लॉटरी लग गई है वो नहीं मानेगा अगर किसी को बोल दो उसी बंदे को बोल दो कि तेरे घर के बाहर चार लड़के खड़े हैं डंडा लेके खड़े हैं घर से बाहर मत निकलियो आज नहीं तो बहुत मारेंगे वो चार दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि उसको पता है कि उसकी हरकतें है ऐसी हैं हो सकता है सच में चार बंदे खड़े हो तो नेगेटिविटी तुरंत अट्रैक्ट करती है तो आप कंपनी का नाम मेंशन मत कीजिए अगर आप करेंगे तो वहां पर आपका नुकसान होगा इसे एक और फायदा होने वाला है आपका कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी आपने सुनिए ये कहावत सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी है से क्या होता है अगर नेटवर्क मार्केटिंग आप मेंशन कर देते हो अगर आप किसी जॉब में हो या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो वहां पे आपके क्योंकि शुरुआत में तो आपकी इनकम होती नहीं है वहां पे आपका मजाक जबरदस्ती का बनाना शुरू कर देंगे तो आपके काम पे इफेक्ट आ सकता है उस चीज़ का तो वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग को मेंशन करने की जरूरत नहीं है आपका प्रोफाइल जो है आराम से बचा रहेगा कोई दिक्कत नहीं आने वाली अब आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि सर हमारे जो अप्लायंस हैं जो बहुत पैसा कमा रहा है वो तो डालते हैं कंपनी का नाम फिर आप हमें क्यों मना कर रहे हो बात समझिए आपके जो अपलाइन है उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क ऑलरेडी है उनके प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर या उनके पिक्चर्स के ऊपर पोस्ट के ऊपर जो आप लाइक देखते हो वो प्रोस्पेक्ट के कम होते हैं और उनके खुद के जो डाउन होते हैं बहुत बड़ा साम्राज्य क्योंकि उन्होंने बना लिया है तो उनके लाइक ज्यादा होते हैं तो उनको तो मिलेगा उनको तो रॉयलिटी इनकम भी आ रही है उनको लिवरेज भी आ रहा है लेकिन मेरा काम है कि आप एज अ बिगिनर उनका लेवल अलग है आपका लेवल अलग है अभी ठीक है आप एज अ बिगिनर इस तरह की चीजें मत करो जब आपका लेवल वहां तक पहुंच जाएगा ना कोई दिक्कत नहीं है जो डालना है वो डालो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बट शुरुआत में आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली exactly कॉपी मत करना क्योंकि वो जो डाल रहे हैं उनका जो लेवल है और आपका जो लेवल है उसके अंदर अभी फर्क है राइट इसके बाद यूज किस फॉर्मूला है ना किस फॉर्मूला कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट ये सिर्फ आप अपने दिमाग से बना सकते हो प्रोफाइल को बहुत ज्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है जो बायो सेक्शन है जो अबाउट सेक्शन है जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको सिंपल एंड शॉर्ट करने की कोशिश करो बहुत मजेदार होना चाहिए बहुत एकदम अट्रैक्टिव हुक होना चाहिए उसके अंदर तभी जाके फायदा होगा तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे आगे बढ़ रहे हैं हम यहां पर पॉइंट टू रिमेंबर क्या क्या बातों का ध्यान में रखना हमेशा पहली चीज क्या है डोंट सेल कॉफी इन एपिसोड वन देखा था ना नहीं देखा जाके देख लेना ठीक है डोंट सेल कॉफी वहीं पे बता रखा था मैंने कि नेटवर्क मार्केटिंग या आप एफिलियट मार्केटिंग में हो या आप किसी भी ऐसी मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हो जहां सेल्स होती है डिजिटल मीडिया के ऊपर याद रखना लोग खरीदने नहीं आते हैं लोग प्रोडक्ट खरीदने नहीं आते हैं तो वहां पे आपका काम है सिर्फ इनिशिएट करना कन्वर्सेशन को और बिल्ड करना रिलेशन को अगर आप सोशल मीडिया पे अपना काम शुरू कर रहे हो तो आपका काम है इनिशिएट करना कन्वर्सेशन को और बिल्ड करना रिलेशनशिप को आपका काम प्रोडक्ट बेचना वहां पे नहीं है इट इज नॉट टू बिल्ड योर बिजनेस इट इज टू इनिशिएट योर कन्वर्सेशन एंड बिल्ड योर रिलेशनशिप राइट तो इस बात को ध्यान में रखिएगा इसके बाद ड्राइव योर ऑडियंस आप अपने एक प्लेटफॉर्म को ग्रो करना शुरू करो और उसी प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक दे दिया करो जैसे आप यूट्यूब ग्रो कर रहे हो तो वहां पर फेसबुक का भी लिंक होना चाहिए आपका इंस्टाग्राम का लिंक होना चाहिए लिंकड का लिंक होना चाहिए लिंक होना चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस जो है वो ड्राइव हो यहां से यहां भी जाए यहां भी जाए यहां भी जाए अगर आप कॉन्टेंट अच्छा दे रहे हो अगर आप वैल्यू एड कर रहे हो तो वहां पर क्या होगा अलग अलग जगह पे कनेक्ट तो करें राइट लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देना है, है? बहुत ज्यादा नहीं देना, देना नहीं तो पुश मार्केटिंग करने लग जाओगे राइट मार्केटिंग करनी है थोड़ा ढूंढने दो बंदे को कंटेंट में इतना दम रखो कि सामने वाला ढूंढता हुआ आप तक पहुंचे राइट इसके बाद कीप अ चेक ऑन योर प्रोफाइल आपको अपने प्रोफाइल पे टाइम टू टाइम किसी दोस्त के फोन को ले लो किसी दोस्त से मिलने चले जाओ और उसकी फोन से अपने प्रोफाइल को देखो और एक थर्ड पार्टी की तरह देखो कि क्या मेरे प्रोफाइल पे लोग रुकेंगे क्या मेरे प्रोफाइल के ऊपर लोग ठहरेंगे क्या मेरी प्रोफाइल इतनी जबरदस्त है कि लोगों का ध्यान में अट्रैक्ट देखो सीधी सीधी बात है लोग सिर्फ तीन सेकेंड चार सेकेंड या पांच सेकेंड के अंदर आपके बारे में हजारों ओपिनियन बना लेते हैं आपको देख के या आपके प्रोफाइल को देख के अगर एक बात बताओ लेट सपोज आप एक बंदे के साथ नया बंदा मिला है आपको ठीक है अभी अभी दोस्त बनाया और उसके साथ गाड़ी में जा रहे हो ठीक है या फिर आपका कोई दोस्त का दोस्त है जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा है आप अपने दोस्त के साथ गए हो और वो दोस्त अपने दोस्त के साथ उसकी गाड़ी के अंदर लेके जा रहा है आपको आप इस बंदे को नहीं जानते लेकिन जो ड्राइव कर रहा है ना जो बंदा जिसकी गाड़ी है वो इतना रैश ड्राइव कर रहा है और लोगों को उल्टा बोल रहा है लोगों को फालतू बोल रहा है लोगों को गालियां बकरा है कि अरे यार ये गंदा चलाते हैं ये घटिया चलाते हैं अब सिर्फ इतनी सी हरकत करी उसने उसने आपसे बात भी नहीं करी कुछ नहीं करी सिर्फ दस मिनट आप थे उसके साथ कार में क्या आप उसके लिए कुछ ना कुछ ओपिनियन क्रिएट करोगे हंड्रेड परसेंट करोगे आपके लिए भी कोई ना कोई ऐसा अगर आप करते तो आपके लिए कोई ना कोई ओपिनियन क्रिएट करेगा अब क्या है उसने क्या ओपिनियन क्रिएट किया अब आप बोल सकते हो कि उसने गलत समझा मैं फ्रस्ट्रेटेड था ये था वो था कुछ भी बोल सकते हो बट उसने क्या ओपिनियन क्रिएट किया उस पर आपका कंट्रोल नहीं है लेकिन उसने किस वजह से आप पे ओपिनियन क्रिएट किया वो एक्टिविटी आपके कंट्रोल के अंदर है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि आपको इस तरह से डिजाइन करना अपने पूरे प्रोफाइल को कि लोग आप पे टिके आपके आप लोगों के अटेंशन को ग्रैब करो राइट सो दिस वाज ऑल इसके अंदर हमने क्या क्या सीखा इसके अंदर हमने सीखा कि डिजिटल मीडिया की पावर क्या है डिजिटल मीडिया कौन कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा आपकी और हमने सीखा कि हमें प्रोफाइल को किस तरीके से सेटअप करना है और याद रखना दो पोस्ट पर डे ठीक है अगले सेशन के अंदर अगले एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप चूज करोगे कि कौन से सोशल मीडिया पर आपको ग्रो करना है ठीक है और भी बहुत सारी चीजें वो एपिसोड थ्री के शुरुआत में आपको पता लग जाएगा अगर आपको इस सीरीज में मजा आ रहा हूं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेल कर रहा हूं ये जो है ये पेड मटेरियल हो सकता था बट मैंने ये डिसाइड किया कि आपके आगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट परोस दूंगा तो आपकी जो फीस है आप जो भी अगर देना चाहो तो

डिजिटल आल सी यू द नेक्स्ट वीडियो द टाइम प्ले बैक बड़ा खेलते हैं